good, the beauty. I'm coming here after 8-9 years maybe. Hello everyone, namaste and welcome back to my YouTube channel, which is Srishti Srivastav. I'm continuing this YouTube after 2 years क्योंकि ना life में अब narrow minded people कम होते जा रहे हैं, so why not do something which I'm good at, which I love to do. So I have just thought of doing something new in life. So this is it, and I'm starting with all your best wishes. So let's get started. So वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत ही एक नई जगह से जो कि है स्वयंभू नाथ. सो वी आर गोइंग देयर. तो आते ही मुझे यहाँ बस मिल गई है. अब हम निकल रहे हैं स्वयंभू नाथ की तरफ और ये बस डायरेक्टली वहीं पहुँचा देती है सीधे. वी हैव अराइव टू स्वयंभू नाथ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं. And it's so so beautiful. So I'll just show you this beautiful piece, a masterpiece me. So these are the 3 massive golden statues of Padma Sambhava, Amitabha Buddha, Avalokiteshvara. और कहा जाता है कि इस टेम्पल को माना देवा ने बिल्ड किया था 13th सेंचुरी में. And after that, it became an important center for Buddhism. This temple is equally important to the Hindus and the Buddhists as well, because the Shambhu Nath means the Lord Shiva's temple, and the Shambhu means self-existing. और ये जो आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, the 6 syllable mantra derived from a Sanskrit language, which says Om Mane Peme Ho. On the path of life and intention and wisdom, we can achieve the pure body, speech and mind of Buddha. It is the most powerful mantra of Buddhist. And these wheels are rotated in a clockwise direction in order to accumulate the merit and blessings. So we have just covered that area जो कि इसके just अंदर ही है, and we are going to a monastery now, जो कि stairs से जाना पड़ेगा, थोड़ा ही दूर है यहाँ से. ये रहा रास्ता. So road से यहाँ तक का distance थोड़ा ज़्यादा हो गया लग रहा है. I'm coming here after 8-9 years maybe, इस वजह से थोड़ा चलने की आदत भी नहीं है ना मुझे. यहाँ पे हर जगह ऐसा दिखता है, देखिए. थोड़ा गर्मी भी है पर हवा चल रहा है मस्त, ठंडा ठंडा सा. तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेयर्स वाले पार्ट पे, विच विल डायरेक्टली कनेक्ट टू द मेन स्टूपा, विच इज अप देयर. सो नाउ वी आर कवरिंग अ स्टेयर पार्ट जो कि देख सकते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा ही सीधी चढ़ाई, पहाड़ चढ़ने वाले हैं अब. थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, थोड़ा यहाँ रेस्ट करने के लिए भी पार्ट बनाया गया है. सो लेट्स सी टू द मेन स्टूपा. सो रेस्टिंग हियर फॉर द सेकेंड टाइम. आसान नहीं है यहाँ पे, बट द ब्यूटी. ऊपर से तो और अच्छा लगेगा मेन स्टूपा से, बस थोड़ी ही दूर है. देयर इज़ अ 365 स्टेयर्स, पहले था और अर्थक्वेक के बाद थोड़ा बढ़ गया है तो 424 स्टेयर्स हो गए हैं. सो आफ्टर क्लाइंबिंग टूअर्ड 424 स्टेयर्स, आई हैव रीच टू द मेन स्टूपा एंड लेट्स सी द व्यू हियर. Thank you.
द बिगेस्ट स्तूपा एस्टिमेटिंग नियरली 100 मीटर्स वाइड एंड 40 मीटर्स इन हाइट। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, ऊपर बैठे बैठे थोड़ी देर व्यू का मज़ा लिया। अब थोड़ा भीड़ भाड़ था आज, सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टाउन टू ईट समथिंग नाउ। कुछ खाते पीते हैं फिर देखते हैं। वी हैव रीच्ड टू अ रेस्टोरेंट नाउ। सो छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप का था, वहाँ पे हम लोगों ने खाया, मतलब मैंने खाया। और क्या कहते हैं, चाउमीन वाज नॉट सो गुड। चाय पिया और चाउमीन को पैक किया, और कोई मिलेगा यहाँ तो दे दूँगी उनको ही, सो दैट आई कुड नॉट वेस्ट द फूड ऑल्सो। सो अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे, अब सीधे बस पकड़ेंगे जो कि यहीं मिल जाएगा सामने ही, और फिर देन घर। ओ वाओ, लुक व्हाट आई हैव फाउंड। क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया था तो मैंने अपने लिए ये एक सेल पैक किया और खाते हुए निकल गई। सो आई हैव रीच्ड होम, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।